रिसेंटली रोहित शर्मा से एक इंटरव्यू में पूछा गया, जो वीडियो कॉन्फ्रेंस में इंटरव्यू हुआ, जिसमें एक क्वेश्चन था कि एमएस धोनी और दिनेश कार्तिक को लेकर कि विकेट कीपिंग में कैरेबियन पिच पे यानी जो विदेश में खेले जाना है इस साल यूएस और हमारे वेस्ट इंडीज में जहां पे खेले जाएंगे T20 वर्ल्ड कप में सेलेक्ट करना किसको आसान हो सकता है, दिनेश कार्तिक को या फिर एमएस धोनी को। तो रोहित शर्मा ने उसका जवाब देते हुए बताया कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से एमएस धोनी ने इम्पैक्ट डाल रहा है, 4 बॉल में 20 रन 22 रन मार रहे हैं, तो उनको कन्विंस करना अभी थोड़ा हार्ड हो सकता है यूएस और हमारे वेस्ट इंडीज ले जाने के लिए। लेकिन उन्होंने वही इधर दिनेश कार्तिक के बारे में बताया कि दिनेश कार्तिक का रिसेंटली जिस प्रकार से फॉर्म चल रहा है उनको कन्विंस करना बड़ी आसान है, क्योंकि दिनेश कार्तिक बहुत ही बेहतरीन तरीके से फॉर्म दिखा रहे हैं और उनको सेलेक्टर आसानी से ले सकते हैं। आपको क्या लगता है, एमएस धोनी या दिनेश कार्तिक किसको सेलेक्ट करना चाहिए या फिर दूसरा प्लेयर? क्या एमएस धोनी को इस बार वापस करना चाहिए T20 वर्ल्ड कप के लिए कि कुछ कोई चमत्कार हो जाए? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।